नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। परीक्षा के लिए तो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि परीक्षा के अंदर कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है। देश के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो बात है वो की गई है, तो ऐसे में ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ में एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस परीक्षा को लेकर बहुत सारे विवाद हुए थे, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। उस समय छात्रों को ऐसा लग रहा था कि जनपद और मंडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई है सोशल मीडिया पर सैलाब देखने के लिए मिल रहा है कि परीक्षा के अंदर व्यापक स्तर पर धांधली देखने के लिए मिल रही है। कई परीक्षा केंद्रों की तरफ से, छात्रों की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि वहां पे जो धांधली है वो देखने के लिए मिली है, और चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया फैसला कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक नुकसानदायक साबित हुआ है। सबसे पहले बता दूं टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर आप सभी पीजीटी परीक्षा देने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पे 7/8/2021 को ऑफिशियल वेबसाइट पर संबंधित अभ्यर्थी की होने वाली परीक्षा 17/18 को लेकर जो एडमिट कार्ड है वो डाल दिए गए हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन छात्रों के डाउनलोड नहीं होते हैं वो जाकर इस बात को ध्यान में रखें कि अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था कि रिजेक्ट हुआ था, जिसको लेकर वीडियो मैंने पहले से बना दिया था। तो ये बात हो जाती नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर टीजीटी परीक्षा को लेकर, तो लगातार ऐसी फुटेज आपको देखने के लिए मिल रही है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे छात्रों की तरफ से बताया जा रहा है, और अलग अलग जिलों के अंदर यही देखने के लिए मिला है। छात्रों का कहना है सिर्फ एक जिले या फिर एक परीक्षा केंद्र की बात नहीं है, लगभग अगर हम देखें तो टोटल 75 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी जानकारी लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। कई छात्र संगठनों की तरफ से लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि चयन बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, आगामी 2 से 3 दिन लगातार आपको धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, और चयन बोर्ड के खिलाफ इस बात को लेकर बताने का प्रयास किया जाएगा कि परीक्षा के अंदर व्यापक स्तर पर जो धांधली हुई है उसको लेकर चयन बोर्ड की तरफ से जो कदम है उठाए जाने चाहिए, परीक्षा को स्थगित करने की मांग देखने के लिए मिलेगी, मंडल स्तर पर कराए जाने की मांग भी की जाएगी, और भी तमाम चीजें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आप सभी की राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके जिले के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या कोई अनियमितता देखने के लिए मिली है, या जो भी चीजें होंगी वो लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। लेकिन ऐसे में सभी छात्र संगठनों की तरफ से इसको लेकर अब तैयारी कर ली गई है कि चयन बोर्ड के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया जाएगा और परीक्षा को हटवा कर एक बार फिर से यहाँ पे सही तरीके से परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी देख पाए कि छात्रों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके अंदर एक ही मांग देखने के लिए मिल रही है। ये बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं उनकी तरफ से कहना है कि परीक्षा में धांधली या फिर पेपर आउट जैसा मामला देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में आप सभी को जो भी अपडेट होगी अगले वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।